नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजेंद्र जोधपुरिया चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सेरोटोनिन क्या होता है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इस क्रम में जानते हैं कि सेरोटोनिन क्या होता है। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये एक केमिकल मैसेंजर है जो न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। दोस्तों सेरोटोनिन की बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे मूड रेगुलेशन, स्लीप, एपेटाइट कंट्रोल, मेमोरी, लर्निंग और सोशल बिहेवियर। दोस्तों इसके अलावा ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ रिसर्च स्टडीज के अकॉर्डिंग लो सेरोटोनिन लेवल डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर मूड डिसऑर्डर से लिंक्ड हो सकते हैं। इसलिए सेरोटोनिन लेवल को रेगुलेट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज किया जाता है जो इस न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मूड, एंजाइटी, एपेटाइट और स्लीप को कंट्रोल करता है। इसके लेवल्स को बढ़ाना काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ नेचुरल तरीके होते हैं जिनसे सेरोटोनिन को बढ़ाया जा सकता है। आइए उन कुछ तरीकों को हम आपको बताते हैं। नंबर एक, रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों व्यायाम करने से सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाया जा सकता है। आप रोजाना 30 से 45 मिनट के एक्सरसाइज करें, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग एटसेट्रा। एक्सरसाइज करने से ट्रिप्टोफैन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे कि हमें अच्छा महसूस होता है। नंबर दो, सनलाइट। धूप में बैठना भी सेरोटोनिन को बढ़ाने में मदद करता है। धूप ना मिलने से शरीर में सेरोटोनिन नामक हार्मोन की मात्रा में कमी हो सकती है। दोस्तों धूप सेकने से मूड अच्छा होता है, क्योंकि धूप से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन की मात्रा शरीर में बनती है और ये हार्मोन्स हैप्पीनेस के अलावा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सेहत को भी सही रखता है। दोस्तों आप रोजाना सुबह के समय में 15 से 20 मिनट के लिए धूप में बैठ सकते हैं। नंबर तीन, हेल्दी डाइट। हेल्दी खाना खाने से सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाया जा सकता है। आप अपने भोजन में ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड ऐड कर सकते हैं। ट्रिप्टोफैन के सोर्सेज हैं एग्स, चीज, नट्स, टोफू आदि। नंबर चार, मेडिटेशन। ध्यान करने से भी सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाया जा सकता है। आप रोजाना 10 से 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। नंबर पांच, मसाज। दोस्तों मसाज मस्तिष्क और शरीर को तनाव मुक्त रखने का एक अचूक नुस्खा है। ये मस्तिष्क और शरीर को पुनर्जीवन देने का एक प्राचीन तरीका है। सरसों के तेल से मसाज करने से भी सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाया जा सकता है। आप रोजाना सरसों के तेल से शरीर की मालिश करें। अध्ययन बताते हैं कि मसाज थेरेपी स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने में मदद करती है, जिससे कि सेरोटोनिन का स्तर उत्तेजित होता है। लेकिन अगर आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत कम है तो आपको मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए, वो आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। अगर आप किसी भी प्रकार की OCD का इलाज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं।